ये देखो, ये तुम्हारा पेपर प्लेन रेडी। अब इसे ऐसे उड़ाना, इधर नहीं पीछे जाके। कुसुम जी, आपने तो पूजा की तैयारी में कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी है, और आपकी बहू आज के होते हुए भी दूसरी लड़कियों से बिल्कुल अलग है। वो तो है। ईशाना बेटा, क्या है ये? आज घर में पूजा है ना, जीन्स नहीं पहनते। जाओ सूट पहन के आओ। नहीं दादी प्लीज, मुझे जीन्स ही पहनने हैं। ईशाना, हमने कहा ना पूजा में जीन्स नहीं पहनते, जाओ जाके सूट पहनो। अम्मा जाने दीजिए ना, वैसे भी भगवान हमारी भक्ति देखते हैं, कपड़े नहीं। और मुझे पूरा पता है ईशाना पूरी श्रद्धा से पूजा में बैठेगी, है ना ईशाना? हाँ अम्मा, मंगल ठीक ही तो कह रही है, पूजा में पहनावे से फर्क नहीं पड़ता, मन साफ होना चाहिए। हाँ भाई ठीक है ठीक है, अब तुम दोनों एक ही पाले में आ गए हो तो हम क्या कह सकते हैं, अब तो हमें तुम्हारे मम्मी पापा की बात माननी ही पड़ेगी, अब हम कुछ नहीं कहेंगे। हे भगवान, हमारा आदित्य मंगल का साथ यूं ही हमेशा देता रहे। वैसे चाचा जी कहाँ है, कहीं दिख नहीं रहे। बाजार गए सब्जी लेने। इस लक्ष्मी को दामाद जी के बारे में कुछ पता लग गया तो ये तो बवाल कर देगी। हाँ अच्छा, तू तो कुछ बता रही थी ना कि वो लड़का सौम्य का बॉयफ्रेंड नहीं है, मतलब? हाँ वो मैं ये बता रही थी कि आज ना हमेशा गलत टाइम पे बल्लो का फोन बजता है, बंद कर इसे। हाँ बोलो ना लक्ष्मी, तुम क्या बोल रही थी? हाँ मैं ये कह रही थी कि वो दक्ष जो उस दिन दीदी के घर पे आया था सौम्या जी का नकली बॉयफ्रेंड बनके, उसको आज मैंने मार्केट में पकड़ा, और फिर उसने मुझे बताया कि वो सौम्या जी का बॉयफ्रेंड है ही नहीं, बल्कि सौम्या जी का जो असली बॉयफ्रेंड है उसने इसको पैसे दिए थे ताकि वो नकली बन के घर पे आ सके। कितनी अजीब बात है ना ये, सौम्या जी टेढ़ी लगती है मुझे, पर अगर वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है तो फिर असली बॉयफ्रेंड है कौन? चलो अच्छा है, इस खुरापाती बुद्धि को कुछ नहीं पता। मैं आया मम्मी, एक मिनट। क्या क्यों पागलों की तरह मुझे बार बार फोन किए जा रही हो? मैंने नहीं उठाया तो समझ नहीं आता क्या? Excuse me, mind your language, okay? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें फोन करने का। काम की बात सुनो, मुझे फेज वन मार्केट में आके मिलो अभी। क्यों? मैं क्या हूँ तुमसे मिलने मिलने? मुझे ना करने की हिम्मत ही मत करना तुम लिपिका। ब्लैकमेल करना ना, मुझे भी आता है। तो अगर तुम नहीं आई ना तो तुम्हारे वो सारे जो मैसेजेस थे ना मुझे, आदित्य को, जहाँ तुम हमें ब्लैकमेल कर रही थी, वो सारे मैसेजेस में तुम्हारी बेचारी मंगल दीदी को दिखा दूंगी, फिर उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी सगी बहन मौके का फायदा उठा रही थी। And listen, sweetheart, ब्लैकमेल को ना क्राइम माना जाता है, जेल जाओगी तुम। तो इतनी बर्बादी करने से अच्छा है कि चुपचाप आओ और मेरा काम करो। मैं आती हूँ, मिलती हूँ तुमसे। अब जीतिया की कथा शुरू करते हैं। मंगल बेटा, जीतिया की कथा पढ़ना शुरू करो। जी अम्मा। बहुत समय पहले की बात है, गांधर्वों के एक राजकुमार हुआ करते थे जिनका नाम था जिमूतवाहन। वो बहुत ही दयालु थे और हमेशा परोपकार करते थे, उन्हें राजपाट से कोई सरोकार नहीं था। एक दिन वन में भ्रमण करते करते जिमूतवाहन काफी दूर निकल आए। उसने कहा, आज मेरे पुत्र का जीवन संकट में है, एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे।
पुराना प्लेन गया तो जाने दो, मैं दादू से दूसरा बनवाता हूँ। हेलो, क्या हुआ माँ को? अच्छा ठीक है, मैं अभी निकल रही हूँ। हाँ माँ की तबीयत ठीक नहीं है चाची, मैं चलती हूँ। हाँ मम्मी मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगी। ओके। अरे सास इसके बीमार है, तेरा कौन बीमार है जो अचानक इतनी जल्दी हो गई? कहाँ जा रही है? फेज वन मार्केट। फेज वन की मार्केट क्यों? मम्मी मुझे काम है वहाँ पर, आरती से मिलना है। ओके बाय। अरे तो इतनी जल्दी है तो लक्ष्मी के साथ चली जा, ऑटो के पैसे भी बचेंगे और ये तुझे रास्ते में छोड़ देगी। ठीक है? मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज। मारूंगी, टाइम नहीं है, चुप कर, चल लक्ष्मी के साथ। लक्ष्मी से रास्ते में छोड़ दिए। चल पिकअप, साथ में चलते। अच्छा चलो, अगर चलना है तो जल्दी निकलो। चलो चल। उस दिन से बच्चों की रक्षा के लिए जितिया व्रत की प्रथा शुरू हो गई। आज के दिन भगवान श्री गणेश जी, माता पार्वती और शिव जी की पूजा और ध्यान करके ये कथा सुननी चाहिए, इससे व्रत सफल होगा। कुसुम, बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गई है, मैं कमरे में जाके आराम कर लेता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आप जाइए, जाकर आराम कर लीजिए। मम्मा मम्मा, दादू कहाँ है? मम्मी मम्मी, आप पेपर एरोप्लेन बना दोगे? अक्षत बेटा, दादू को थोड़ी देर छोड़ दो, उनको आराम करने दो, थक गए हैं। देख रहे हो ना बेटा, सब पूजा कर रहे हैं, अभी जाओ यहाँ से। अच्छा एक काम करो, अपने पापा से बनवा लो। पापा आप प्लेन बना दोगे? बेटा मेरे ऑफिस से कॉल आ रहा है, मैं बाद में बनाता हूँ। मैं अभी आई। कोई भी मेरा प्लेन नहीं बना रहा, मम्मी को आता है, उनसे बनवा लेता हूँ। बस बस भैया, अरे थैंक यू लक्ष्मी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ओके लिपिका रुक जाना, मैं तुझे अंदर तक ड्रॉप करती हूँ। भैया नहीं, तुझे भी तो लेट हो रहा होगा ना। ओके मैं चली जाऊंगी यहाँ से, बाय। अरे अरे अजीब लड़की है भैया, सैनिक फार्म्स तक ले लेना। अरे भैया भैया दो मिनट रोकना, इधर ही चाबी। अब ये तो चाची जी के घर की चाबी है, लगता है लिपिका भूल गई। भैया दो मिनट यही रहना, मैं बस अभी आई। क्या डिवोर्स पेपर्स? सच में पागल वागल हो गई हो क्या? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारा ये काम करूंगी? रियली? लेकिन तुम्हें तो ये करना पड़ेगा क्योंकि इस काम में तुम बराबर के हिस्सेदार हो और तुम्हारे बच के निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता है। ऐसे बीच से तुम नहीं निकल सकती ना। सो कम ऑन नाउ, बी अ गुड गर्ल, जाओ मंगल के घर जाओ, वहाँ आदित्य के बैग में डिवोर्स पेपर्स रखे हैं, उन पे किसी भी तरह मंगल के साइन लेकर आओ। मैं तुम्हारा ये काम नहीं करूंगी, मैं अपनी दीदी और जीजू का डिवोर्स नहीं होने दूंगी। करना पड़ेगा बेबी, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे अगर मैं चाहूँ ना तो ये काम मैं खुद कर सकती हूँ, लेकिन फिर मुझे तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करना पड़ेगा। और तुम तो जानती हो ना कि एक बार पैर कीचड़ में गए तो फिर साफ सुथरे होकर नहीं निकलते, समझ रही हो ना तुम? सोचो, चारी दीदी की पूरी जिंदगी खराब करने का जो ब्लेम है ना, वो तुम पे आ जाएगा। फिर क्या मुंह दिखाओगी तुम सबको? थिंक अबाउट इट। जो मैं कह रही हूं ना वो चुपचाप करो, जाओ और डिवोर्स पेपर्स पे मंगल के साइन लेकर आओ। और हाँ, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। अब जाओ मंगल के सिग्नेचर लेकर आओ डिवोर्स पेपर्स पे।